विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और कार्यवाही के दौरान पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों ने पानी की समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया और सारे विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों ने जल बोर्ड में घोटाले से संबंधित दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा काटा और उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। विधानसभा की शुरुआत में बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अपने विधानसभा के क्षेत्रों में रुके हुए कार्यों को लेकर मुद्दा उठाया। इसके बाद विधायक रामवीर सिंह और अन्य बीजेपी के विधायकों ने जल बोर्ड मामले में घोटालों का आरोप लगाते हुए चर्चा करने की मांग की। इस मामले में शोर शराबा और नारेबाजी बढ़ने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सभी बीजेपी विधायकों को बाहर जाने के लिए कहा। बता दें, ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर छापे मारे थे, 12 ठिकानों पर कार्रवाई की थी और छापों में बड़ा खुलासा हुआ था। ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा आपके नेताओं को दिया गया था, पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया था। ईडी की तलाशी के अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस भी मिले थे। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड की तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने ये बात जानते हुए भी कि कंपनी टेक्निकल एजेबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है 38 करोड़ रुपए का ठेका MSNKG इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए थे। जगदीश अरोड़ा ने ही रिश्वत का पैसा आगे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया।